नवादा में अक्षय नवमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने आंवला पेड़ की पूजा अर्चना कर भुआ दान किया। नवादा नगर समेत गांव देहातों में अक्षय नवमी पूजा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल रहा। शोभिया मंदिर समेत अनेक जगहों पर श्रद्धालुओं ने पूजा की। पूजन क्रम में भुआ में छेद कर श्रद्धालुओं ने सोना चांदी व रुपया डालकर गुप्तदान पूजन किया। इसके उपरांत उस भुआ को ब्राह्मण को दान कर दिया। उपवास रहकर महिला श्रद्धालुओं ने इस व्रत को पूरा किया। मंदिर परिसर में आंवला पेड़ के पास पहुंचकर पूजन किया गया। इसे लेकर सुबह में सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। पीड़ितों ने सभी जगहों पर वैदिक मंत्रों से पूजन में संकल्प कराया। इसके बाद महिलाओं ने पूजन के क्रम में पारंपरिक रूप से आंवला पेड़ में लाल सूत बांधे। पूजन के आखिरी में भगवान विष्णु की परालौकिक कथा भी सुनाई गई। बता दें कि अक्षय नवमी का पूजन आंवला पेड़ के नीचे किया जाता है। ये पूजन भगवान विष्णु को समर्पित है। पूजन कथा के बारे में पंडित दिव्यांशु पाठक ने कहा कि प्राणी अपने पूर्व जन्म में जो भी पाप करता है वो भी इस पूजन से समाप्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि है बुधवार दिन। आज का दिन बड़े बड़े ऋषियों ने अक्षय नवमी बताया है। आज जो पुण्य प्राप्त होता है, कुष्मांड दान होता है, जिसका पुण्य अक्षय रहता है, कभी क्षय नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम अक्षय नवमी पड़ा है। जीवन पर्यंत में लाइसेंस मिल जाता है LIC वाला, कि जीवन में भी और मरने के बाद भी उसको स्वर्ग मिलता है। जो आदमी अक्षय नवमी व्रत करता है, भुआ दान कुष्मांड दान करता है, मरने के बाद उसको जमदूत नहीं छूते हैं, उनको लेने के लिए भगवान विष्णु वैकुंठधारी भगवान विष्णु के त्रियांगद नाम का दूध ले जाते हैं और उनको स्वर्ग ले जाते हैं। इस प्रकार भगवान इसमें आया है। और तीसरा धनंजय नाम का भाई बहुत साथी था, लेकिन गुरु जी के साथ अक्षय नवमी एक भाई ने किया जिससे उनको स्वर्ग प्राप्ति मिला और वे स्वर्ग गए। तो इस तरह से जितनी महिलाएं हैं आज रात में पति के संवाद के लिए, बाल बच्चे के शिक्षण विधि के लिए, अक्षय पुण्य प्राप्ति के लिए आज कुष्मांड दान जो कर रहे हैं, इसका पुण्य कभी अक्षय नहीं होता, इसी का नाम है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी के अवसर पर आंवला पेड़ के नीचे पूजन के बाद मिष्ठान खिचड़ी व सात्विक भोजन करने का नियम है। बुधवार को अनेक जगहों पर पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने पूरे परिवार व इष्ट मित्रों के संग पारंपरिक तरीके से भोजन किया। अनेक श्रद्धालुओं ने खिचड़ी खाई तो कईयों ने छटका बचा हुआ ठेकुआ प्रसाद ले जाकर आंवला पेड़ के समीप खाया। इस दिन पूजन के उपरांत आंवला खाने का भी नियम है, लिहाजा अनेक श्रद्धालुओं ने आंवला अथवा उसका पत्ता भी खाया। पंजाब केसरी TV के लिए नवादा से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।